क्योंकि टोटल स्टूडेंट हमारे पास सेवन है तो एक्स की वैल्यू तो क्या आ जाएगी हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास टू आ जाएगी तो ट्रिपल सेवन ग्रुप में हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने होंगे कितने स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे ये ग्रुप टू और ट्रिपल नाइन ग्रुप फोर अब हम हम ये केस पकड़ते हैं सबसे पहले G group group, तो पहले जहां पर पर और तो पे फोकस करते क्योंकि हमें पता है यहां एक, एक ही साथ रखना है सी एंड डी ज्वाइंट दी सेम ग्रुप सपोज सी और डी को मैंने यहां पर रखा तो बाकी सभी मेरे यहां पर आ जाएंगे पर मुझे पता है ए और एफ मेरे सेम ग्रुप में नहीं हो सकते ए और एफ मेरे सेम ग्रुप में नहीं हो सकते तो मैं कह सकता हूँ सी और डी मेरे ट्रिपल सेवन ग्रुप में नहीं आएंगे तो सी और डी मेरे इस ग्रुप में आ जाएंगे सी और डी यहाँ पर आ गए अब मेरे पास क्या रह गया है आ, मैं ए और एफ को एक ही ग्रुप में नहीं रख सकता मीन मैं ए और एफ को दोनों को यहाँ पर ट्रिपल सेवन ग्रुप में नहीं रख सकता तो यहाँ पर मुझे ई e को लेना होगा अब देखिए यहाँ पर अगर ए आएगा तो एफ यहाँ पर आ जाएगा और एक केस और बन जाएगा हमारा जब ई e तो यहाँ पर है और एफ यहाँ पर आ जाएगा तो ए यहाँ पर आ जाएगा तो ये दो केसेस बन गए हमारे पास जब जी हमारा ट्रिपल एट ग्रुप ज्वाइन किया है ये दो केसेस बन गए हमारे पास अब हम अगेन केस लेते हैं जब जी मेरा ट्रिपल सेवन ग्रुप ज्वाइन किया है ना क्योंकि दी दी ट्रिपल ट्रिपल ग्रुप ग्रुप और अब C और अब मेरे एक ही ग्रुप में कहां पर आ सकते हैं ओनली पॉसिबिलिटी ट्रिपल नाइन ग्रुप यहां पर आप देखते हैं मुझे ई और जी को डिफरेंट ग्रुप में रखना है अब ई और जी को डिफरेंट ग्रुप में रखना है तो दो पॉसिबिलिटी है एक केस में ई e यहां पर आ जाएगा और बी सी डी जी यहाँ पर है तो एक केस में ई e यहां पर आ जाएगा अब ई e अगर हम यहां पर लेंगे ध्यान देना तो ए और एफ को मुझे डिफरेंट ग्रुप्स में रखना है ए और एफ को मुझे डिफरेंट ग्रुप्स में रखना है तो यहां पर अगेन मेरे दो पॉसिबल केसेस बनेंगे ए यहां पर आएगा तो एफ यहां पर आएगा और जी और एफ यहाँ पर आ जाएगा तो ए यहां पर आएगा ओके तो okay? बाकी सभी मेरा यहां पर सेम रहेगा अब देखिए यहां पर मेरे पास ए और एफ अगेन रह गया तो ए यहां पर आ जाएगा तो एफ यहां पर आ जाएगा और एफ यहां पर आ जाएगा तो ए यहां पर आ जाएगा और कोई केस पॉसिबल है क्या मेरा और कोई केस मेरा पॉसिबल नहीं है तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं आप ओके क्वेश्चन ऑलरेडी मार्क है इफ ए ज्वाइन दी ट्रिपल एट ग्रुप देन विच ग्रुप डेड ई ज्वाइन ई कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया है ट्रिपल नाइन ओके तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर वन

बी uh, सी और एफ ये सी यहां पर आ गया हमारा यस बी सी और बी एफ एंड जी पर देखिए बी एफ और जी को मैं एक साथ नहीं रख सकता यहां पर जी अलग है यहां पर जी अलग है और बाकी सभी यहां पर है तो बी सी और एफ ये सी थाना बी सी और एफ को मैं एक साथ रख सकता हूँ ए सी और डी को रख सकता हूँ पर बी एफ और जी को मैं एक साथ नहीं रख सकता विच ग्रुप डिड डी ज्वाइंट डी देखिए सभी केसेस में ट्रिपल नाइन ग्रुप है

तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ई सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है इजी सेट था पर फिर भी आपको फोकस करना चाहिए अप्रोच पे कि किस तरह से इस टाइप के सेट को आप अप्रोच कर सकते हैं थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग